हेलो यूकेजी, आज हमारे जीके की क्लास है। जीके में हम करने वाले लिविंग बींग्स के बारे में, ठीक है। हम लोग कौन है? लिविंग बींग्स है, ठीक है। अब देखिए, मैं जिन बच्चों के पास बुक है जीके की, उसमें देखिए क्या दे रखा है। आई एम लिविंग बींग, लिविंग बींग्स मूव ब्रीथ ड्रिंक एंड ग्रो। तो लिविंग बींग्स क्या क्या कर सकते हैं आज हम वो करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, लिविंग बींग्स मूव कर सकते हैं यानी चल सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीथ मीन्स सांस ले सकते हैं, ठीक है। ड्रिंक कर सकते हैं, ड्रिंक मीन्स कुछ भी पी सकते हैं। अब ग्रो कर सकते हैं, ग्रो मीन्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसी को हम करने वाले हैं। तो आई क्या मूव क्या कर सकते हैं हम लोग, मूव कर सकते हैं। आई डैश क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रीथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स क्या होता है? सांस लेना, ठीक है। ब्रीथ कर सकते हैं। स्पेलिंग देखिए, पी आर ई ए टी एच ई, ब्रीथ, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। हम लोग ईट और ड्रिंक दोनों कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ईट एंड ड्रिंक, यानी हम खा सकते हैं और हम पी भी सकते हैं। खाना पीना हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है? आई ग्रो, हम लोग बढ़ते हैं ना। बच्चे क्या होते हैं? पहले छोटा सा बेबी होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लास्ट में जाके बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो क्या है? आई ग्रो, हम लोग बढ़ भी सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, लिविंग बींग्स क्या क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। उसी को यहाँ देखिए हमने किया है। आई मूव, आई ब्रीथ, ब्रीथ फिर से बता रही हूँ, सांस लेना होता है। आई ईट एंड ड्रिंक, खा सकते हैं पी सकते हैं। और आई ग्रो। तो ये सारा काम बेटा आप इस किस में करोगे? जीके की कॉपी में करोगे। एग्जाम होने वाले हैं तो इसे क्या करेंगे पेरेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को प्लीज बोल बोल के ये सारा काम करवाइए, जीके की कॉपी में करवाइए, अच्छे से करवाइए, क्योंकि एग्जाम में ये सारा आएगा। यूके जी, अब हम आगे करने वाले ह्यूमन बॉडी। हमने किया था ना ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी क्या होती है? इंसानी शरीर। उसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं? आईज होते हैं, नोज होता है, हैंड्स होते हैं, और क्या होता है हमारा, ईयर होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सारे पार्ट्स क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं, बताया था मैंने। तो आज हम देखेंगे कि हमारे अलग अलग पार्ट्स हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, फर्स्ट है वी यूज अवर लेग्स एंड फीट टू। हम अपने लेग्स और फीट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं? देखिए, स्टैंड खड़े होने के लिए, वॉक चलने के लिए, रन दौड़ने के लिए, किक बॉल को किक मारना होता है तब आप करते हो ना, पैर का इस्तेमाल करते हो। स्किप, स्किप मीन्स रस्सा कूदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेग्स और फीट का यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा वी यूज अवर हैंड्स, हाथों का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबको पता है हाथ, हाथ से क्या करते हैं? होल्ड, किसी भी चीज को पकड़ना, पुश धकेलना, राइट लिखना, टच, टच कर रहे हैं हम किससे करें? हाथ से कर रहे हैं। और थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना। तो हाथ से, हाथ के काम हो गए होल्ड, पुश, राइट, टच एंड थ्रो। अब देखिए, वी यूज अवर ईयर्स टू, हम अपने कानों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? लिसन टू म्यूजिक, जब एक गाने सुनना होता है तो किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं ना। और हियर साउंड, हम कोई आवाज सुनते हैं तो वो भी किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। तो कान का काम क्या हो गया? लिसन टू म्यूजिक और हियर साउंड, ठीक है। अब अगला है वी यूज अवर आइज टू, आइज किसको बोलते हैं? आंखों को। आंखों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? सी देखने के लिए, रीड, रीड क्या होता है? पढ़ना, पढ़ने के लिए। और वॉच टेलीविजन, आप वो देखते हो, टीवी देखते हो, किससे देखते हो? आंखों से देखते हो ना। तो आंखों का काम हो गया सी, रीड, वॉच टेलीविजन। अब देखिए आगे, वी यूज अवर टंग टू, हम अपनी जीभ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? टंग किसको बोलते हैं? जीभ को। सबसे पहले जीभ से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्या क्या चीजें करते हैं? स्वीट थिंग्स यानी मीठी चीजें, सॉल्टी, सॉल्टी क्या होता है? नमकीन चीजें, और बिटर क्या होता है? कड़वी चीजें। किसे टेस्ट करते हैं? जीभ से, ठीक है। तो हमारे टंग का काम क्या होगा? टेस्ट करना, ठीक है। अब वी यूज अवर स्किन, हमारी स्किन का काम क्या है? हमारी स्किन क्या करती है? स्किन त्वचा हमारी क्या करती है? फील करती है, ठीक है। किसी भी चीज को महसूस करती है, क्या महसूस करती है? वो हार्ड है यानी वो कठोर है, सॉफ्ट है, मुलायम है, हॉट क्या होता है? गर्म, और कोल्ड ठंडा। तो हमारी स्किन हमें बताती है, फील करती है कोई चीज हार्ड है, सॉफ्ट है, हॉट है, कोल्ड है, ठीक है। अब वी यूज अवर नोज, हम नोज से क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, किसी भी चीज की खुशबू जो आती है हमारी नाक से ही जाती है हमारे अंदर, ठीक है। तो स्मेल क्या करते हैं? गुड थिंग्स
एनी गुड स्मेल, जो अच्छी स्मेल होती है वो भी नाक से कर रहे हैं, और जो बैड स्मेल वी यूज अवर नोज। ठीक है, नोज का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हम, नोज का इस्तेमाल कर रहे हैं सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए, स्मेल मीन सूंघना। तो गुड स्मेल भी हम नोज से कर रहे हैं और बैड स्मेल भी हम नोज से कर रहे हैं। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम थे। ये सारा काम किस में करेंगे, जीके की कॉपी में करेंगे, अच्छे से करेंगे, एग्जाम आने वाले, रिवीजन वर्क भी आपके एक तरीके से। ठीक है, बाय बेटा, हैव फन।